स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमने गूगल पे आके www.youtube.com यहाँ पे सर्च किया, उसके बाद YouTube स्टूडियो में क्लिक किया, उसके बाद आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देख सकते हो कुछ देर वेट करते देखिए ये बीटा वर्जन खुल के आ गया है क्रोम ब्राउज़र में। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं दोस्तों। ये वीडियो को आपको क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखना है, जरा सा भी स्किप नहीं करना है। स्किप करोगे तो आपको नहीं पता चलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि क्या करना है, क्या कुछ नहीं करना है, कैसे क्या कुछ किया है। तो इसके लिए आपको वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुमन और आप देख रहे हैं टेक सुमन यूट्यूब चैनल। कि एज ए यूट्यूबर आप अगर मोबाइल फोन से अगर वीडियो को एडिट करते हैं तो आपको क्रोम ब्राउज़र में एक प्रॉब्लम दिखने को मिल रहा है कि अगर आप बीटा वर्जन में क्रोम ब्राउज़र में अगर खुलेंगे तो आपका नहीं खुल रहा है बीटा वर्जन। तो इसके लिए ऐसे एक ट्रिक लेके आए हैं जिसके जरिए आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र में कहीं पर भी छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एप्लीकेशन में कुछ भी सेटिंग करने की जरूरत नहीं है। हम जो जो स्टेप बताएंगे वो स्टेप आपको करना है। आपकी मोबाइल की सेटिंग में ही वो प्रॉब्लम है तो उस सेटिंग को आप कैसे ठीक करेंगे आज की वीडियो में हम बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हमें मोटिवेट मिलेगा और दोस्तों हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे वो वीडियो आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो गाइस सबसे पहले आपको हम इस प्रॉब्लम को दिखाते हैं कि कैसा कौन सा प्रॉब्लम है ताकि आपको लाइव प्रूफ हम दिखा सके। सबसे पहले हम यहाँ पे ओपन करते हैं हमारा जो क्रोम ब्राउज़र है वो ओपन करते हैं। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र को ओपन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ऑप्शन यहाँ पे आएगा। यहाँ पे हम www.studio.youtube.com यहाँ पे सर्च करते हैं और YouTube स्टूडियो में यहाँ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे ये डायरेक्ट अपनी जो YT स्टूडियो में ले जाएगा और वहाँ पे हम कोई भी वीडियो का एडिट नहीं कर सकते हैं, कोई भी एंड स्क्रीन लगा नहीं सकते, कोई भी आई बटन लगा नहीं सकते। अक्सर हम आई बटन और एंड स्क्रीन लगाने के लिए ये हम यूज करते हैं। वाले है कि यहाँ पे कैसे हम ठीक करने वाले हैं ये आपको दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कहीं पे भी यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो डायरेक्ट ये हमारे YT स्टूडियो में ले जाएगा। कहीं भी आप चाहे कोई भी ब्राउजर में खोलिए ये प्रॉब्लम आपको दिखाता ही दिखाता है, YT स्टूडियो में डायरेक्ट ले जाएगा, आपकी बीटा वर्जन में नहीं खुलेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, अपने मोबाइल फोन के सेटिंग में चले जाना है, आपको नीचे आना है और आपको यहाँ पे ऐप मैनेजमेंट दिख रहा होगा वहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कुछ इस तरीके का ऑप्शन होगा, आपको ऐप लिस्ट में क्लिक कर देना है। जैसे ऐप लिस्ट में क्लिक करेंगे आपके सामने ढेर सारा आपके पास जितने भी एप्लीकेशन है सारे के सारे यहाँ पे दिखाई देने लग जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है और सारे के सारे एप्लीकेशन यहाँ पे आ गया है। तो आपको क्या करना है, सर्च बॉक्स में आपको लिखना है YT स्टूडियो, ठीक है, आपको ज्यादा नहीं लिखना है, YT लिखना है। जैसे YT लिखेंगे यहाँ पे YT स्टूडियो आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सबसे नीचे की ओर ओपन बाय डिफॉल्ट पे यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे क्लिक करेंगे करना है ओपन सपोर्टेड लिंक्स पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करेंगे सबसे नीचे कर देना है डोंट अलाउ ऐप टू ओपन लिंक्स, यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आना है सर्च बॉक्स में और YouTube लिख के यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद सबसे नीचे वाला ओपन बाय डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है और ओपन सपोर्टेड लिंक्स पे क्लिक करना है। सबसे नीचे वाला डोंट अलाउ ऐप टू लिंक्स यहाँ पे क्लिक कर देना है, मतलब यहाँ से सेटिंग का काम हो गया। उसके बाद आपको फिर से चले आना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। दोस्तों यहाँ पे जैसे ही क्रोम ब्राउज़र पे चले आएंगे यहाँ पे देखेंगे अभी काम हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे देख सकते हो studio.youtube.com यहाँ पे सर्च करके YouTube स्टूडियो पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद हम देखेंगे कि हुआ कि नहीं काम, ये देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे काम हो गया। तो बीटा वर्जन में हमारा क्रोम ब्राउज़र में YouTube स्टूडियो में खुल गया है YT स्टूडियो। उसके बाद वीडियो सेक्शन में आके यहाँ पे आप कोई भी वीडियो आप एडिट कर सकते हैं। आइए अब दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे कर दीजिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतने, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।